हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल मौर्य और सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन शेयर मार्केट में। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, एक घंटी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो बॉटम से आप देख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट अभी सीख रहे हैं, आपको सीखना है, तो आप हमारे वीडियो के थ्रू आप आसानी से सीख सकते हैं। आगे चल के अच्छी अच्छी वीडियो में अपलोड करता रहूंगा जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलता रहेगा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक कार्ट में आप अगर अपने स्टॉक को, शेयर्स को कैसे बेच सकते हैं अगर आपने अभी तक POF फॉर्म नहीं भेजा है तो, और सबसे आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसी वीडियो में बता देता हूं कि आपको यह POF होता क्या है। बहुत सारे लोगों को यह डाउट होता है कि यह POF होता क्या है, क्यों भेजना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो POF होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, यानी जब हम कोई शेयर्स को खरीदते हैं तो वो शेयर्स T+2 डे में हमारे DP अकाउंट में चला जाता है, CDSL के पास चला जाता है। वहां से अगर जब हमको शेयर्स को बेचना होता है तो हमको CDSL को परमिशन देना पड़ता है कि इस ब्रोकर के थ्रू मैं मेरा शेयर्स को बेचना चाहता हूं। तो उसके लिए ही हमको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है ब्रोकर्स को, जिससे आपके शेयर्स को CDSL से लेके बेच सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म एक साइन करके भेजना पड़ता है ब्रोकर को कि हम आपको पावर दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को बेच सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी इस लॉकडाउन में मैक्सिमम कुरियर्स बंद है तो लोग अपना पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA का फॉर्म भेज नहीं पा रहे हैं, तो शेयर्स बेचने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टॉक कार्ड अकाउंट है तो आप अपने शेयर्स को बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल ऐप से ही ट्रांसफर कर सकते हैं CDSL टू अपने ब्रोकर अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, वही मत मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल ऐप से स्टॉक कार्ड में अपने शेयर्स को आप CDSL से आप अपने ब्रोकर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको आप सेल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ कि आप वेबसाइट के थ्रू, ने स्टॉक कार्ड के वेबसाइट के थ्रू आप शेयर्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं CDSL से, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल ऐप से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि POA होता क्या है और ये POA क्यों भेजना पड़ता है हमको। ये किसी भी, आप कहीं भी डीमैट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो हमको एक पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA का फॉर्म भेजना ही पड़ता है। अगर आप, जब तक आप POA का फॉर्म नहीं भेजोगे, पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म नहीं भेजोगे, तब तक आप अगर कोई भी शेयर डिलीवरी में खरीदते हो तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप इंट्राडे में, कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला, इंट्राडे में आप शेयर्स को खरीदो बेचो, POA की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हो, आज खरीदते हो, एक दो दिन होल्ड करते हो, उसके बाद सेल करना है फ्रेंड्स, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जो है भेजना ही पड़ता है, यानी POA का फॉर्म भेजना ही पड़ता है। तो अगर आपने नहीं भेजा है POA का फॉर्म, आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो आप कुरियर के थ्रू या डॉक के थ्रू आप भेज सकते हैं। अगर आप उनके पास कुरियर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने शेयर्स को आसानी से सेल कर सकते हैं अपने मोबाइल ही ऐप से। तो फ्रेंड्स, वही हम देखने वाले हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने स्टॉक कार्ड में जो है इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि IPO कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टॉक कार्ड में, और आपको ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप जो प्रो ऐप है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर फंड कैसे ट्रांसफर विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कई सारे वीडियो अपलोड किया है। उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ मोबाइल ऐप में चलते हैं। मैंने मोबाइल में लॉग इन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको देखो लेफ्ट कॉर्नर पर एक 3 लाइन दिख रहा होगा ऊपर में, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ से कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखो नीचे एक ऑप्शन दिया है ट्रेड का, तो आपको क्या करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, सबसे नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे एक नॉन POA स्टॉक यहाँ एक ऑप्शन है, उसके ऊपर फ्रेंड्स क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से स्टॉक आपके पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो दिया है एक ऑथोराइज्ड क्वांटिटी, जितने भी ऑथोराइज्ड क्वांटिटी आपके पास है उतने स्टॉक को आप CDSL से अपने स्टॉक ब्रोकर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस पे करना है उसके ऊपर जस्ट टिक करना है आपको। यहाँ पे देखो टिक करने का ऑप्शन दिया है, आप उसके ऊपर जस्ट टिक करने के बाद नीचे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक CDSL का ऑप्शन दिया है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा कि आपके पास टी पिन है या नहीं है। तो अगर आपके पास, आपको टी पिन जनरेट करना है तो यस पे क्लिक करिए, ऑलरेडी टी पिन है तो नो करिए। तो आपको क्या, अगर टी पिन नहीं है तो यस पे करेंगे तो आपको टी पिन मेल या मैसेज में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक किया, यहाँ पे टी पिन मांग रहा है, मेरे पास ऑलरेडी टी पिन था, मैंने टी पिन डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। तो
जैसे ही फ्रेंड्स वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपने जो भी शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, आप देखो सक्सेसफुली हो गया कि मैं जो शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो हमारा यहाँ से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। अभी इस शेयर्स को मैं अपने ब्रोकर अकाउंट यानी अपने डीमैट अकाउंट यहीं से मैं उसको सेल कर सकता हूँ। तो अपने पोर्टफोलियो में जाके या फिर माई ट्रेड में जाके वहाँ पर जो स्टॉक व्यू है वहाँ से सेल कर सकता हूँ। ऐसे फ्रेंड्स किसी दूसरे स्टॉक को बेचना है तो आप देखो मेरे पास एक सिप्ला भी है तो मैं उसको भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। ऑलरेडी क्वांटिटी वहाँ पे दिया रहता है, आप जितना क्वांटिटी चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने उस पर क्लिक किया, पिन डाला और यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने स्टॉक को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके पास सेल करना है तो आपको यहाँ पे माई ट्रेड में आके देखिए स्टॉक व्यू दिया हुआ है, ऑप्शन स्टॉक व्यू पे आना है। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं आपको दिख जाएगी लिस्ट, आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सेल का ऑप्शन आएगा, सेल पे क्लिक करिए। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइस आ जाएगा, जिस प्राइस बेचना चाहते हो प्राइस आप डाल सकते हैं। डिलीवरी का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और बस सबमिट कर दिया, आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपने अगर POA नहीं किया है तो अपने स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद बहुत ही आसानी से उसको आप सेल कर सकते हैं। तो इसका टेंशन नहीं है कि आपने POA भेजा है या फिर नहीं भेजा है। तो स्टॉक कार्ड में सबसे इजीएस्ट वे दिया है शेयर्स को ट्रांसफर करने का, CDSL टू ब्रोकर अकाउंट। ओके, तो आप इसी तरह से आसानी से उस शेयर्स को ट्रांसफर करिए और आसानी से सेल करिए। ओके, तो अभी तक फ्रेंड्स ये बहुत सारा प्रॉब्लम था शेयर्स को कैसे बेचा जाए, कई लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा आप शेयर्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं, पहले कैसा था CDSL की वेबसाइट पर जाके करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज कर सके, अपने स्टॉक को बेच सके। तो फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जी लिंक आप जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी कई सारी सर्विसेज है जो आपको मिलेंगी फ्री में, एक भी रुपये आपको चार्जेस नहीं लगेगा हमारी सर्विसेज की। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे कई सारे लिंक सोशल मीडिया लिंक दिए हुए जैसे टेलीग्राम फेसबुक ऐसे कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उन लिंक्स को ज्वाइन करिए और वहां पर जो भी फीचर्स है उनको आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इस चैनल्स को हम अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली या अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका यूटिलाइज कर सके। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो इन वीडियो फ्रेंड्स देखती रहिए और स्टॉक मार्केट को सीखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।